हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पच्चीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम एनआईएसएम एट इक्विटी डेरेवेटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में राइट एंड वी हैव डन इज वट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ प्रॉपर क्वेश्चन बैंक हमने प्रॉपर वीडियोज बनाई हैं एनिमेटेड वीडियोज एम जी क्यूज मॉक टेस्ट नोट, समरी शीट्स विद इन टू वीक्स आप ये पूरे का पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हो लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉर दैट कोर्स राइट सो लिंक अवेलेबल है और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो राइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेशन पच्चीस क्वेश्चन आज हम प्रोवाइड करेंगे राइट इनिशियल मार्जिन टू बी पेड इन डेरिवेटिव इज सेटअप टेकिंग इन टू अकाउंट द वॉलीटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट जो इनिशियल मार्जिन है इनिशियल मार्जिन है वो वॉलीटिलिटी पे डिपेंड करता है जितनी मार्केट में वॉलीटिलिटी ज्यादा है रिस्क ज्यादा है उतना इनिशियल मार्जिन ज्यादा होगा जब आप अपना ट्रेड लेते हो मार्केट में राइट तो ब्रोकर जो है वो कुछ ना कुछ इनिशियल मार्जिन लेगा ही लेगा राइट सो तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको इनिशियल मार्जिन देना ही पड़ेगा तो जनरली क्या होता है जनरली हायर द वॉलिटिलिटी हायर द इनिशियल मार्जिन जितनी वॉलिटिलिटी ज्यादा है मार्केट में उतना इनिशियल मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ेगा राइट अगर किसी एसेट क्लास में वॉलीटिलिटी रिलेटिवली कम है तो उसमें इनिशियल मार्जिन रिलेटिवली कम होगा राइट तो इसको ध्यान में रखें आ, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर इच क्लियरिंग मेंबर इज हायर देन दैट ऑफ नॉन क्लियरिंग मेंबर तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आंसर ट्रू है कितना है हाउ मच इट इज सो क्लियरिंग मेंबर का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना है और नॉन क्लियरिंग का कितना है इट्स ट्रू फॉर द क्लियरिंग मेंबर जो सेटलमेंट uh, कर सकता है फॉर क्लियरिंग मेंबर जो सेटलमेंट कर सकता है उसका 300 हंड्रेड लैक्स या तीन करोड़ का नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट है और नॉन क्लियरिंग मेंबर का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वन करोड़ रुपीज राइट एन की साइड से ही मैंने उठाया है सो दैट इज ट्रू नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ठीक है क्लियरिंग मेंबर का तीन करोड़ है नॉन क्लियरिंग वाले का एक करोड़ है वॉट विल बी द डेल्टा फॉर अ फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन So, ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए डेल्टा क्या होता है और फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है वो समझते हैं पहले एक्सप्लेनेशन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेल्टा डेल्टा क्या होता है सो डेल्टा इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज पर वन डॉलर चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स अगर आप निफ्टी फिफ्टी का डेल्टा चेक कर रहे हो राइट सो ऑप्शन की प्राइस जो है ऑप्शन की प्राइस और जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है इन दिस केस निफ्टी फिफ्टी का क्या रेट चल रहा है वो उन दोनों के रिलेशनशिप को बता रहा है डेल्टा मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज पर वन डॉलर चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स जो इंडेक्स में अगर एक डॉलर का या एक रुपये का चेंज आता है तो ऑप्शन के प्राइस पे कितना इसका असर पड़ेगा ये डेल्टा मेजर करना करता है विच इज़ इंपॉर्टेंट आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए फॉर अ फॉर आउट ऑफ मनी ऑप्शन फॉर अ फॉर आउट ऑफ मनी ऑप्शन द डेल्टा इज़ नियर ज़ीरो अगर फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन है डेल्टा इज जनरली जीरो बिकॉज लाइवलीहुड ऑफ ऑप्शन एंडिंग अप इन द मनी एंड थर्स हैविंग एन इंटरसिक वैल्यू एट एक्सपाइशन इज वेरी लो फॉर फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन में पैसा कमाने के चांसेस कम है इंट्रेंसिक वैल्यू होने के ही चांसेस बहुत कम है इसलिए डेल्टा जीरो होगा राइट सो देअर फॉर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी विल हैव लिटल इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ फार आउट ऑफ मनी ऑप्शन नियर जीरो इफेक्ट होगा कुछ खास इतना फर्क पड़ेगा नहीं राइट फार आउट ऑफ मनी है तो उतना आ, जो है इंट्रेंसिक वैल्यू बनने के चांस ही कम है प्रॉफिट में आने के चांस ही कम है राइट ऑन द फाइनल सेटलमेंट द बायर होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल रिकोगनाइज फेवरेबल डिफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर राइटर एज डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो जब एक्सपेरेशन हो गई जिस दिन एक्सपीरेशन होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट की राइट right? uh, मान लीजिए ए है एंड बी है राइट right? इन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं राइट right? मान लीजिए इसको प्रॉफिट हो गया तो ये प्रॉफिट शो करेगा अगर फेवरेबल है तो प्रॉफिट है अनफेवरेबल है तो लॉस है राइट right? इसने जो बोला था इसने जो सोचा था कि मार्केट अप जाएगी और इसने कॉल ऑप्शन ले लिए एने तो इसको प्रॉफिट हो गया बी ने सोचा था कि मार्केट जो है नीचे जाएगी लेकिन मार्केट चलेगी ऊपर तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं गई राइट सो so, अगर फेवरेबल है अगर फेवरेबल है आपकी जो ऑप्शन स्ट्राटी थी वो फेवरेबल थी तो आपको इनकम होगी राइट आप एज अ इनकम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड ये तो मैंने बता ही दिया है

तो ये लोग क्या करते हैं कि ये देखिए ये ऑप्शन डेरिवेटिव में काम नहीं करना चाहते ये डेरिवेटिव वगैरह का काम नहीं करते इनका मेन जॉब है कि ये धागा बनाते हैं धागा बनाना इनका मेन काम है और कॉटन के प्राइसेस जो है वो इनको बहुत इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट करते थे पास्ट में सो दैट इज़ वाई इन्होंने क्या किया कि ये अपनी पोजिशन को हैज करना चाहते हैं ये नहीं चाहते ये कॉटन से पैसा ही नहीं कमाना चाहते बेसिकली कॉटन का प्राइस जो है मान लीजिए कि क्विंटल के हिसाब से अगर चार सौ रुपये है आज तो चार सौ के हिसाब से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे राइट जब ये पूरा साल बना रहे थे तो प्राइसेस मान लो बारह सौ हो गए इनका रॉ मटेरियल प्राइस हाई हो जाएगा तो ये इसमें पढ़ना नहीं चाहते ये क्या करते हैं अपनी पोजिशन को हैज कर देते हैं उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं राइट सो इनके लिए हेजिंग क्या है इनके लिए हेजिंग एक तरह का एक इंश्योरेंस अग्रीमेंट है राइट एक तरह का आप कह लीजिए इंश्योरेंस अग्रीमेंट है इंश्योरेंस की तरह ये खरीदते हैं इसलिए इसको हेजिंग बोला जाता है बुक्स में हम कैसे इसका ट्रीटमेंट देते थे अगर मान लीजिए कि दो साल का अगर इन्होंने अग्रीमेंट किया है तो दो साल में डिवाइड होगा ये अकाउंटिंग के लिए बता रहा हूँ जितने भी देर का ये लेते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड की ना कि फ्यूचर्स की फॉरवर्ड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एक्सचेंज इज नॉट इन्वॉल्व जितने साल का भी ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं राइट right? मान लीजिए अगर पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं तो ये पाँच साल में डिवाइड कर देंगे राइट द प्रीमियम और डिस्काउंट विल बी अमोटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमोटाइज मतलब क्या अगर पाँच साल का है तो पाँच साल में इसको डिवाइड कर देना इसको अमोटाइजेशन बोलते हैं अगर पांच लाख रुपए प्रीमियम पे किया पांच साल के लिए तो एक, -एक लाख रुपए हर साल में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों में दिखा दिया जाएगा ठीक है आई होप क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर इन केस ऑफ मेंबर्स डिफॉल्ट अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता है द क्लियरिंग कारपोरेशन कैन नॉट ट्रांसफर क्लाइंट्स पोजिशन टू अनदर मेंबर और क्लोज आउट ऑल ओपन पोजिशन ऑफ डिफॉल्टिंग मेंदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स ये फॉल्स है अगर कोई मेंफॉल्ट करता है इन केस ऑफ अ मेंज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर क्लाइंट पोजिशन टू अनदर मेंबर और क्लोज ऑल द ओपन पोजिशन ऑफ द डिफॉल्टिंग मेंबर इतना ही पढ़ना जरूरी है अगर कोई मेम्बर डिफॉल्ट ही कर देता है तो उसकी सारी पोजिशन क्लोज कर सकता है क्लियरिंग कारपोरेशन ओके

सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एट प्राइस लेवल ऑफ सिक्स नाइन हंड्रेड रुपीज वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वन लॉर्ड ऑफ एबीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी तो इसको सिंपली पचास से मल्टीप्लाई ही कर दिया है प्राइस मल्टीप्लाईड बाई लॉर्ट साइज तो ये बेसिक है छोड़िए द प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेड कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन इज कॉल्ड वॉट वो कौन सा प्राइस है द प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन द ऑन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन इट्स कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस जिस दिन आपका जो uh, जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उस दिन uh, जिस रेट पे आप खरीद और बेच सकते हो अंडरलाइंग एसेट को दैट इज स्ट्राइक प्राइस ओके okay, एक्सपायरेशन की डेट पे जिस रेट पे आप खरीद और बेच सकते हो अंडरलाइंग एसेट को लेट्स से निफ्टी फिफ्टी के लॉट्स को उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस रिमेंस फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाइल अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है राइट द रेलेटिव डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड द अंडरलाइंग प्राइस डिटरमाइंस वेदर एंड ऑप्शन इज इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब पता चलता है कि किसने पैसा कमाया राइट right? <laughs> अगर आप नहीं बेचते तो उस तब तक सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है मनी सोलह दो सो एट द मनी है सोलह तीन सो का कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी सोलह एक सौ का कॉल ऑप्शन इज इन द मनी ठीक है तो आप पैसे कमा लोगे सौ रुपए आप एक्स्ट्रा कमा लोगे अगर सोलह एक सौ पे मिलता है तो लेकिन ऐसे कमा नहीं सकते प्रीमियम उतना बढ़ जाता है ठीक है सिमिलरली इन केस ऑफ पुट ऑप्शन अगर निफ्टी फिफ्टी का स्पॉट प्राइस सिक्सटीन टू हंड्रेड सिक्सटीन टू हंड्रेड पुट ऑप्शन इज इज एट द मनी सिक्सटीन वन हंड्रेड पुट ऑप्शन इज uh is out of the money and 16300 is in the money okay so let's uh let's move forward trader a wants to sell 20 contracts of august series at 4500 trader b wants to sell 17 contracts of uh, september series at 4550 lot size is फिफ्टी फॉर बोथ दीज कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल मार्जिन इज फिक्स परसेंट हाउ मच मार्जिन इज रिक्वायड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ दीज इतना इनिशियल मार्जिन कलेक्ट होगा वैसे सिंपल कैलकुलेशन है जितने का भी ट्रेड है टोटल लिया है उसका छाइट लेट्स डू इट सिंपल मैथामेटिक्स है बीस कॉन्ट्रैक्ट पैंतालीस सौ रुपए के लॉर्ड साइज दिया है उसका छह परसेंट दो लाख सत्तर हजार यहां पर एंड आपका दो लाख और बत्तीस हजार यहाँ पे तो टोटल लगा के पाँच लाख दो हज़ार पचास रुपए राइट सो दैट इज सिंपल था ये एक्चुअली क्वेश्चन नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन एंड इंडेक्स ऑप्शन इज वॉट एंड इंडेक्स ऑप्शन इज अ डेरेवेटिव प्रोडक्ट राइट इट इज़ अ डेरेवेटिव प्रोडक्ट एंड इट इज सेटल्ड इन कैश सेटल्ड इन कैश का क्या मतलब है कि डिलीवरी नहीं हो रही जैसे आपने एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स खरीद लिए वो आपको जो है टी प्लस अभी तो शायद टी प्लस ज़ीरो हो गया है एच डी एफ सी बैंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस तो आपके डी मार्ट अकाउंट में वो डिलीवर हो रहा है राइट right? वो आपकी सी डी एस एल या एन डी एन एस डी एल पे वो डिलीवर हो जाता है तो इंडेक्स ऑप्शंस जो है वो डिलीवर नहीं होते वो कैश में सेटल होते हैं एक्सपायरी पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल जाता है राइट सो रेयरली ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एक उसका कोई मतलब नहीं बनता सो बोथ फर्स्ट एंड द सेकेंड मंथ दे आर करेक्ट ओके मिस्टर सुनील प्लेसेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर ऑन ए बी सी स्टॉक विद ट्रिगर प्राइस ऑफ फोर फिफ्टी रुपीज पहली बात तो ट्रिगर का क्या मतलब है ट्रिगर प्राइस मीन्स वॉट ट्रिगर प्राइस मीन्स जब साढ़े चार सौ रुपये पे मार्केट आएगी तो एक ट्रिगर लगेगा ट्रिगर मतलब कि जैसे एक आपकी एक गन का ट्रिगर होता है एक्शन तब लिया जाएगा साढ़े चार सौ रुपये का स्टॉप लॉस मतलब अभी मार्केट मान लीजिए 470 पे ट्रेड कर रहा है जब साढ़े चार सौ पे जाएगा तो ये इसका एक सेल ऑर्डर लग जाएगा इसका सेल ऑर्डर लग जाएगा ठीक है द करंट मार्केट प्राइस फोर सेवेंटी रुपीज द ऑर्डर विल बी रिलीज फॉर एग्जीक्यूशन वेन द मार्केट टचेज एज सुन एज द मार्केट टचेज और मार्केट प्राइस ऑफ ए बी सी टचेज फोर फिफ्टी साढ़े चार सौ रुपए पे सेल का ऑर्डर एक्जीक्यूट हो जाएगा मतलब लग जाएगा मार्केट पे एग्जीक्यूट तो डिपेंड करता है लिक्विडिटी इतनी है कि नहीं राइट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स द न्यू ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज अराइव बाय डैश द ओल्ड स्ट्राइक प्राइस बाय एडजस्टमेंट फैक्टर आप डिवाइड करोगे जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर निकल के आता है राइट right? आप डिवाइड कर दोगे सिंपली राइट फॉर इंस्टेंस वन बाय वन का बोनस मिल गया जिसके पास सौ शेयर थे उसे सौ और दे दिया आपके पास दो सौ शेयर हो गए तो बेसिकली द फैक्टर वुड बी टू तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी हो सकती है राइट right? जिसके पास दस शेयर है उसको एक दे दिया जिसके पास अट्ठारह शेयर है उसको एक दे दिया ऐसा भी होता रहता है राइट कैन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेम्बर्स एक्ट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट नो दे कैन एक्ट बिहाफ ऑफ देर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट ये भी पॉसिबल है क्वेश्चन नंबरिटी ट्रांसेक्शन टैक्स सो एस टी टी इज लेव ऑन वॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है परचेज ऑफ इक्विटी uh, शेयर पे लगता है सेल ऑफ डेरेविटिव पे लगता है इट इज नॉट लेव ऑन परचेज ऑफ डेरेविटिव राइट इट इज नॉट लेव परचेज ऑफ डेरेविटिव एसट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल ट्रांजेक्शन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन सेल और परचेज की इक्विटी शेयर पर लगता है राइट सो प्लीज रिमेंबर दैट अ यूनिक प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग मेक्स ट्रेडिंग पॉसिबल फॉर दॉस हु डू नॉट वॉन्ट टू मेक और टेक डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट वॉट इज आट प्रिंसिपल मैंने पहले भी समझाया था कैश सेटलमेंट फॉर एग्जाम्पल यू बाई एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स राइट एच डी एफ सी बैंक के मान लीजिए यू बॉट हंड्रेड शेयर्स एंड यू वॉन्ट टू सेल इट लेट से यू डोंट वॉन्ट टू सेल इट यू वॉन्ट टू होल्ड इट फॉर टू ईयर्स थ्री ईयर्स आप उसको होल्ड करना चाहते हो राइट तो वो आपके डिपॉजिटरी के पहले ब्रोकर के पास होंगे देन आपके डिपॉजिटरी वाली जो शीट आएगी उसमें शो करेगी आपकी डी पी शीट जो किसी कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में तो उसमें शो करने चालू कर देगी राइट वट इज कैश सेटलमेंट एक्सपायरी भी क्या है कि इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा वो सेटल हो जाता है राइट सो दैट दैट इज अक प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग कि वो कैश में सेटल हो रहा है डिलीवरी नहीं दे रहे मिस्टर हितेश इज अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन वन ऑफ हिज क्लाइंट हैज परचेज ट्वेल्व कॉन्ट्रेक्ट ऑफ मार्च सीरीज इंडेक्स फ्यूचर्स अनदर क्लाइंट हैज सोल्ड टेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्च सीरीज इंडेक्स फ्यूचर द एक्सपोजर ऑफ मिस्टर हितेशज ट्रेडिंग मेम्बर इज हा मच देखो ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट ने बारह कॉन्ट्रैक्ट जो लिए हैं राइट और दूसरे ने दस लिए हैं ऐसा नहीं है कि एक ने बारह बाई के ले लिए दस ने दस ने सेल के ऐसा कुछ नहीं है आपका एक्सपोजर पूरे ट्वेंटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स पे है एक्स ग्रॉसड ऑफ ट्वेंटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स पे यू गॉट द एक्सपोजर ऑफ मिस्टर हितेश एज ट्रेडिंग मेंबर इज ग्रॉस अप एट ट्वेंटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स राइट डज डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन एंड स्पॉट प्राइज इफेक्ट्स ऑप्शन प्रीमियम स्टेट येस और नो आप मेरी वीडियोस को थोड़ी स्पीड लगा के देखा कीजिए मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं राइट सो डज डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन एंड स्पॉट बिटवीन एक्सरसाइज प्राइज ऑफ द ऑप्शन एंड द स्पॉट प्राइज ये बिल्कुल इफेक्ट करता है एंड इसी को इंटरसिक वैल्यू बोलते हैं अगर निफ्टी राइट नाउ इज अवेलेबल ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड और आप एक ऑप्शन खरीद रहे हो कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो बाईस हजार पे तो ये तीन सौ रुपए का डिफरेंस ये कहीं कही ना कहीं प्रीमियम में दिखेगा राइट कॉन्ट्रैक्ट मंथ मीन्स वॉट मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मंथ मींस जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही देख रहे हो उसमें जो मंथ लिखा होता है एनओ मींस नवंबर तो वो एक्सपायरी वाला मंथ लिखा होता है इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इट पॉज करके सारी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है इन एंड आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जाम मैं पिछली एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइज वुड बी लोअर देन द मार्केट प्राइज पिछले जो क्वेश्चन हैं उसकी एक्सप्लेनशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है जो निफ्टी वाला एग्जाम्पल था सो लेट्स नॉट रिपीट दिस राइट Uh, करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इन द मनी ऑप्शन एंड ऑप्शन इज कंसिडर्ड इन द मनी इफ इट्स इंटरेंसिक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो आउट ऑफ द मनी उसमें इंटरेंसिक वैल्यू नहीं होती राइट फॉर कॉल ऑप्शन दिस मीन्स दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन राइट निफ्टी राइट नाउ लेट से 22000 पे है लेट से 22000 पे है राइट नाउ स्पॉट में 22000 में मिल रहा है एंड आपको एक कॉल ऑप्शन मिल रही है एक आठ सौ पे राइट सो दैट इज़ वॉट दैट इज़ इन द मनी राइट आप कॉल ऑप्शन की बात करें अगर आपको पुट uh, ऑप्शन है पुट ऑप्शन पे रिवर्स हो जाएगा सारा सिनेरियो ठीक है सो so, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड Any person who wishes to open a trading account must be given the following documents, risk disclosure document, as per the latest SEBI guidelines. A person who sells a put option of a strike price 265, market lot of 1000, and a premium of 40 rupees, how much the profit, maximum profit, he can make. रीड बिटवीन द लाइन्स अ पर्सन इज सेलिंग अ पुट ऑप्शन ही इज अ ऑप्शन सेलर हीज अ ऑप्शन सेलर मैक्सिमम क्या कमा सकता है मैक्सिम यह हो सकता है कि वो पूरा ये ऑप्शन प्रीमियम कमा सकता है हजार का लॉट है तो वो चालीस हजार रुपए मैक्सिमम कमा सकता है हाउ मच ही कैन लूज इनकेस मार्केट उल्टी बढ़ जाती है तो स्काई इज द लिमिट बट द मैक्सिमम ही कैन मेक इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज ही कैन अर्न द प्रीमियम ओके

पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट क्या है ऑप्शन प्राइस पे राइट दैट इज वॉट रो इज सो स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द टुडे सेशन फॉर एन आई एस एम एट इक्विटी डेरेवेटिव आई होप यू लाइक द वे आई टीच इन केस यू नीड द फुल कॉस्ट ऑफ एन आई एस एम एट इक्विटी डेरेवेटिव एंड यू वॉन्ट टू कवर द होल सिलेबस विद इन टेन डेज स्टूडेंट्स देखिए आपको बुक तो कंप्लीट करनी पड़ेगी अदरवाइज क्या है कि आप चार बार पांच बार अटेम्प्ट दोगे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पांच बार दस बार बहुत बार कई कई बार चार चार पांच पांच बार अटेम्प्ट देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं और वो पास नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी गलतियां आप मत करें राइट जस्ट गो थ्रू द इंटायर कॉस यानी ये सीम एट इक्विटी डेरेवेटिव का हमने कॉस बनाया है इसको गो थ्रू कीजिए गो थ्रू द वीडियो क्लासेज द नोट्स द क्विजेज द टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है हमारे पास 600 सौ क्वेश्चन का वी टेक गारंटी कि एक बार आप सारे का सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ मैं लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एक बार गो थ्रू करें राइट गो थ्रू तो आप कर ही चुके हैं डेमो आपने देख लिया है और अब आप कंप्लीट कोर्स एक बार ट्राई कीजिए राइट right? कवर कीजिए सिलेबस आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट वुड हेल्प यू इन योर करियर एज वेल सिर्फ क्वेश्चन uh, बैंक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है ये समझ लीजिए खाली क्वेश्चन बैंक को रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है हो सकता है एग्जाम भी क्लियर कर लें लेकिन नॉलेज चाहिए आपको बाद में फिर आप पचास पचास हज़ार रुपये देते फिरेंगे किसी एक्स वाई जेड किसी uh, जो ऑनलाइन सिखाते हैं डेरेवेट्स कोई फ़ायदा नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है तो पूरे का पूरा बुक पढ़िए अच्छे से सीधा क्वेश्चन बैंक पे कभी मत जाइए एग्जाम मोस्ट पब्लिक क्लियर नहीं होगा खाली क्वेश्चन पढ़ के अगर होगा भी तो फ्यूचर में आप ही को नुकसान है सो so पूरी अच्छे से बुक पढ़िए दस दिन में आप हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट कर सकते हो सो स्टूडेंट्स लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन दिस इज माई नंबर लेट मी प्रोवाइड यू माई नंबर दिस इज़ माई पर्सनल नंबर है यू कैन आस्क योर डाउट्स आई एम गोइंग टू आंसर योर डाउट्स एंड दैट सॉल्व फॉर टुडे स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द टुडे सेशन Subscribe the channel and like this video. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.